देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा क्षेत्र 66 में कुल मतदान का प्रतिशत 56.44 रहा। जिला धूप में भी लोगों ने उत्साह पूर्वक चुनाव के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग किया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज देवरिया लोकसभा क्षेत्र में मतदान सुबह निर्धारित समय के अनुसार 7 बजे शुरू हो गया। लोग अपने घरों में कटिबद्ध होकर अपने मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे और मतदान के दौरान कतारों में खड़े मतदाताओं का कहना था इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। अपने मत का प्रयोग किया है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। किस तरह का लगा कि जो आपने जो किस तरह का सरकार बनाना चाहते हैं? मतदान में कोई आपको दिक्कत परेशानी हुई है यहाँ? क्या नाम है आपका? बेचन यादव। आपने अभी मतदान किया है, क्या कैसा महसूस हो रहा है आपको? मतदान करने के बाद नई सरकार के हम गठन करने जा रहे हैं, मतदान करना हमारा कर्तव्य है। किस तरह की सरकार चुनना पसंद करेंगे? नई सरकार। नई सरकार में किस तरह का सरकार हो जो कि आपकी सुरक्षा सारी चीज़ें जो नौकरी दे हम लोग बेरोजगार हैं। मतदान किया है, किस तरह का जो है आपका कथन कर रहे हैं? आज मतदाताओं में बहुत अच्छी चीज है जैसे लोग अपने घरों से निकल के मतदान स्थल पर आ करके और मतदान कर रहे हैं और हम सब मतदाताओं का प्रयास है कि 100% मतदान हो, क्योंकि मतदान से ही इस देश का विकास होना है, एक नई दिशा मिलेगा। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा मोदी जी के द्वारा जो काम हुआ है आज उस कार्यों को देखते हुए हर मतदाता अपने घर से निकल करके पुनः मोदी जी को उस कुर्सी पे प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठाने के लिए अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और उत्साह हर मतदाता स्थल पे बना हुआ है। अभी तक आप दर्जा पर राज्यमंत्री हैं, जिले में अभी देवरिया में 9.34% अभी तक मतदान हुआ, क्यों मतदान का रुझान नहीं दिखा है? नहीं, आप देखे होंगे सुबह से ही हर जगह लाइन लगा। हम देवरिया है, कहाँ पे आए हैं? वोट डालने आए हैं। क्या स्थिति है वोट की? स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कई मतदाताओं के नाम कटे हुए हैं वोटर लिस्ट, क्या बहुत ज्यादा कटे हैं? 7-8 तो हमारे घर में कटा है, ये बीएलओ महाबेईमान है। क्या लग रहा है मतदान नाम काट देने से क्या लग रहा है? कुछ प्रभावित होगा मतदान? हाँ हाँ भारतीय जनता पार्टी ने देवरिया को पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेता रमापत राम जी पार्टी को यहाँ देवरिया भेजा है। देवरिया की जनता उनको सांसद चुन रही है और भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाकर पुनः देवरिया में वापस भेजेगी और देवरिया का विकास जो मानवी कलराज मिश्र जी ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय रमापत राम और देश की और देवरिया की जनता उनसे संतुष्ट है और भारी मतों से वह चुनाव। देवरिया सदर लोकसभा में जिले में जो है मत प्रतिशत गिर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? मत प्रतिशत जो गिरने की बात है, हम सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि मत प्रतिशत न गिरे। जो मत प्रतिशत बढ़ाने की बात है, कार्यकर्ता जी जान से देवरिया नगर में लगे हैं कि मत प्रतिशत बढ़े। अभी तक 21.42% मत पड़ा है देवरिया। निश्चित ही आज जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखा वह लोगों का उत्साह था और वह उत्साह था फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का, वह उत्साह था इस प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार मिटाने का, वह उत्साह था राष्ट्रवाद को फिर से यहाँ भरपूर तरीके से स्थापित करने का। अगर सीट यहाँ से कंफर्म होती है तो देवरिया के कौन सा ऐसा सौगात देंगे ताकि जो है देवरिया जनता पिछड़े जुड़े हुए काफ़ी दिनों की पिछड़ी हुई क्या क्या उसको? लेकिन निश्चित ही यह पहले दिन से ही और हम सबके एजेंडे में है कि यहाँ की बड़ी बड़ी चीनी मिल को कैसे किस तरीके से फिर से स्थापित कराया जाए और यहाँ का जो